स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई प्याज की सब्जी। ये राजस्थानी सब्जी है जो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऑफ कोर्स राजस्थानी है तो तीखी तो होगी और तेल मसाले वाली होगी। तो चलिए चलते हैं रसोई में और देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। मलाई प्याज सब्जी के लिए मैंने 10 छोटे छोटे प्याज लिए हैं, जिसे मैंने इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। हमें इसे बारीक और पतला नहीं काटना है, ऐसे मोटा ही काटना है। और हमने लिया है 1 कप मलाई। ये 250 ग्राम दूध की मलाई है, जो घर पे होल मिल्क आता है उसकी मलाई। और ली है 1 दालचीनी, 3 खड़ी लाल मिर्च, 3 हरी मिर्च, कुछ कड़ी पत्ता, 1.5 इंच मैंने ली है अदरक जिसको मैंने मिक्सर में पीसा है, 1 टीस्पून मैंने ली है हींग और 3 लिए हैं तेज पत्ता। ओके, अब हम एक पैन लेंगे और उस पैन को हम करेंगे गरम और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। अब मारवाड़ी सब्जी है तो तेल और मसाले तो इसमें होंगे ही, लेकिन अगर आप चाहे तो इसमें कम तेल भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। अब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, दालचीनी और 3 खड़ी लाल मिर्च। इसमें हम डालेंगे हींग और इसे कम गैस पर हम होने देंगे। गैस को हमने कम रखा है और इसे पकने देंगे। हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। खुशबू ऑलरेडी इतनी अच्छी आ रही है कि बस मैं वेट ही नहीं कर सकती कि कब ये सब्ज़ी बने। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक जो हमने पीस के रखी थी और कड़ी पत्ता, और इसे अब हम हल्का सा मिला लेंगे। अदरक को हमें पहले ही इसमें पकाना नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो प्याज डालने के बाद में जब हम इसे मिलाएंगे, जितने भी खड़े मसाले हैं, अदरक है, उनका जो पूरा फ्लेवर है वो ये प्याज एब्जॉर्ब करेगा, तो सब्ज़ी में आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून चीनी का पाउडर। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे पकने के लिए। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे खोलेंगे और देखते हैं प्याज कितने पके हैं। हमें प्याज को गलाना नहीं है, एकदम भी इसे गलाकर नहीं पकाना है। हमें हल्का सा, हमें थोड़ा सा क्रिस्पी क्रंची चाहिए प्याज, है ना। तो हम इसे अब वापस ढक देंगे और इसे थोड़ी देर और पकने देंगे। थोड़ी देर हो चुकी है, चलिए वापस खोल के देखते हैं। ये देखिए कलियां जो है प्याज की, कैसे अपने आप ही खुल चुकी है, है ना। सारे प्याज की जो कलियां हैं अलग अलग हो गई हैं। अभी इसको चेक करेंगे, हाँ बराबर है। तो हमें इसी तरह का प्याज चाहिए। तो अब हम इसमें डाल देंगे मलाई और इसे एकदम अच्छे से मिला लेंगे। मलाई के भी फटने का डर रहता है, तो हम इसे कंटिन्यूसली थोड़ा मिलाते जाएंगे, अच्छे से मिला लेंगे इसे। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो चलिए अब हम इसमें मसाले डालते हैं। अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, और क्योंकि ये मारवाड़ी सब्ज़ी है राजस्थानी तो इसमें तीखा तो होगा ही, तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो ऑफकोर्स आप इसमें लाल मिर्च कम भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन ऑथेंटिक अगर खाना है तो इसमें लाल मिर्च ज़्यादा ही पड़ती है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून अमचूर पाउडर। अब मैं डाल रही हूँ इसमें कसूरी मेथी। मैंने 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी ली है, और कसूरी मेथी से ट्रस्ट मी इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है।
तो इसमें हम 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी डालेंगे और जो हरी मिर्च हमने ले रखी थी वो तीनों हरी मिर्च इसमें डाल देंगे और इसे एकदम अच्छे से मिला लेंगे। सारे मसाले अच्छे से सब्ज़ी में हम मिला लेंगे। अब हम सब्ज़ी में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे ढक देंगे थोड़ी देर पकने के लिए अच्छे से, ताकि सारे जो मसाले हैं, फ्लेवर्स हैं, सब्ज़ी बहुत अच्छे से सब मसाला पक जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और इसको अच्छे से मिला लेंगे। गरम मसाले की खुशबू और स्वाद बहुत ही बढ़िया रहता है, तो इसके लिए मैंने इसको एंड में डाला है। तो बस अब हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। हम इसे अब निकाल लेंगे एक बोल में। ये देखिए हमारी राजस्थानी मलाई प्याज सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। मुंह में पानी नहीं आ रहा आपके? देखिए कितनी यमी और डिलीशियस है ये सब्ज़ी। आप भी बनाइए और खाइए और हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हम आपको कल फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, लेकिन आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी रेसिपीज़ लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।